हॉस्पिटल। चार एडिशनल बेड ऑक्सीजन सपोर्ट के बना रहे हैं। इसके लिए जो टारगेट तय किया है आज निरीक्षण भी उसी लिए है कि उससे एडवांस हम कार्य कर सकते हैं, और खुशी है जिस गति के साथ सारे लोगों ने मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट एजेंसी ने भी काम किया है। टारगेट 300 बेड का हम 10 तारीख तक अचीव कर लेंगे और उसकी फंक्शनिंग 12 से शुरू करेंगे, और बचे जो 200 बेड हैं उसको अगले उससे 3 दिन बाद शुरू करेंगे। एक हमारे एडवांटेज इसलिए है कि यहाँ ऑक्सीजन की हमारे पास कंटिन्यूस सप्लाई रहेगी, क्योंकि रिफाइनरी से डायरेक्ट हमें ऑक्सीजन सप्लाई मिलेगी। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमारे इस नेशनल हाईवे बेल्ट का एक बहुत बड़ा लोड बेयरिंग कैपेसिटी हॉस्पिटल में बची है, मेन आज के दिन जो सप्लाई के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का समय जो है वो एक इंट्रेंस बना हुआ है, और इसीलिए बारी बारी अलग अलग स्थानों पर किल्लत आने की खबर भी आती है, पैनिक भी क्रिएट होता है। मैं तो आपके माध्यम से भी सबसे आग्रह करूँगा कि आप अपने घरों में जब तक आपको डिमांड ना हो किसी भी असेंशियल कमोडिटी को, चाहे वो सिलेंडर हो आज के दिन, चाहे वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हो, चाहे एमरजेंसी यूटिलाइजेशन में आने वाली दवाइयाँ हो, उनको स्टोर ना करें। आज आपकी स्टोरेज से किसी की जान जा सकती है। आप लोग बढ़कर आगे मदद करें तभी हम मैक्सिमम जानों को बचा पाएंगे, इस व्यवस्था को और बेहतर। सर, हरियाणा में ऑलरेडी पहले कोरोना से बहुत ज़्यादा मरीज मर रहे हैं, लेकिन एक घटना पिटोली गांव की है रोहतक की, जहाँ 3 दिन में 51 लोगों की मौत हुई, उस पर क्या कहना? देखो, आज के दिन गांव के अंदर लोग टेस्ट करवाने से भी घबरा रहे हैं। मैं तो सब जितने डिप्टी कमिश्नर से बात हुई है उनसे आग्रह भी किया कि एक स्पेशल यूनिट बना रूरल टेस्टिंग को भी बढ़ाया जाए। बहुत से ऐसे लोगों से मेरा भी टेलीफोनिकली संपर्क हुआ है जिनने पहले टेस्टिंग नहीं कराई और फिर पूरी पूरी फैमिली इन्फेक्ट हुई, और लेट डिटेक्शन से आज के दिन आपको इमरजेंसी ऑक्सीजन सपोर्ट आईसीयू सपोर्ट में जाना पड़ता है। सबसे प्राथमिक चीज़ है कि अगर आप किसी के टच में आए हैं, किसी तरह की आपकी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग है, आप अपना टेस्ट जरूर कराएं, क्योंकि अगर आप टाइमली अपने आप को टेस्ट करा लेंगे तो शायद असिम्प्टोमेटिक होकर भी रिकवर हो जाए, और अगर आप डिले करेंगे तो ज़रूर उससे आपकी जान को नुकसान। सर, जो हरियाणा में शराबी टेबल संशय बना हुआ है कि खोलें या बंद करें, उनका सरकार से कोई आदेश जारी नहीं हुआ सर? अभी तो बंद है, लॉकडाउन है, लॉकडाउन हो जाएगा उसके बाद इस पर निर्णय। पानीपत में कल शराब के ठेके खुले तो प्रशासन ने तो कोई कार्रवाई की नहीं होती। अगर कोई लॉकडाउन की पालना नहीं कर रहा तो उसके खिलाफ एक्शन भी हम लेंगे। सर, लॉकडाउन के दौरान आज भाजपा ने धरने पे बैठे थे सर, बंगाल में लेकर जो हत्याएं हुई हैं उसको लेकर, इसको क्या कहना? चलो, अगर उनने परमिशन ली है तो उस पर मैं कहता हूँ। Thank you.